अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसर लैपटॉप को जब हम ऑन करते हैं तो एसर लोगो के बाद स्क्रीन पे नो बूटेबल डिवाइस लिखा जाता है। मतलब ये कि इसमें बूटेबल डिवाइस नहीं है, यानी हार्ड डिस्क नहीं है। तो ये क्यों आता है और इसको किस तरह हम हल कर सकते हैं, वो वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये एसर लैपटॉप है, इसको हम ऑन करते हैं तो ये देखें लोगों के बाद नो बूटेबल डिवाइस लिखा आ गया है और विंडोज़ लोड नहीं होती। तो इसके लिए हमें बायोस में जाना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लैपटॉप की पावर ऑफ करेंगे। और ऑफ़ करने के बाद में दोबारा ऑन करेंगे और F2 की को प्रेस करेंगे जिससे सिस्टम बायोस में चला जाएगा। नो बूटेबल डिवाइस की दो रीजंस होती हैं, एक तो ये कि विंडोज़ ही करप्ट हो चुकी है या डिलीट हो चुकी है, और दूसरा ये कि जो उसका बूट मोड है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ऐसा मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम HDD0 में जा रहे हैं तो यहाँ पे आगे उसका मॉडल भी शो हो रहा है, तोशीबा कंपनी की हार्ड डिस्क है। अगर विंडोज़ डिलीट हो चुकी है या बूट रिकॉर्ड डिलीट हो गया है तो उसके लिए हमें दोबारा विंडोज़ इंस्टॉल करना होगी। लेकिन दूसरी जो ऑप्शन है वो इसका बूट मोड है, जो कि अगर चेंज हो जाए तो इससे भी विंडोज़ लोड नहीं होती। जैसे हम बूट मेन्यू में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं बूट मोड जो है वो UEFI है। बहुत से लैपटॉप में ये डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने लेगेसी मोड में विंडोज़ इंस्टॉल की है और ये UEFI मोड में चला गया है तो विंडोज़ लोड नहीं होगी। अगर UEFI मोड में विंडोज़ इंस्टॉल की है और लेगेसी में, फिर लोड नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कि दो ऑप्शन हैं, लेगेसी मोड भी है, तो ये लेगेसी मोड को सिलेक्ट करेंगे। अगर विंडोज़ लेगेसी मोड में इंस्टॉल की है तो यहाँ पे लेगेसी मोड ही रखना पड़ेगा और फिर विंडोज़ स्टार्ट होगी। अगर ये बायोस रीसेट होगा तो दोबारा UEFI मोड में आ जाएगा। इसके लिए फिर इसको यहाँ पर आके हम चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए लेगेसी मोड सिलेक्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पे सेटिंग को सेव करेंगे। एग्जिट सेविंग सेटिंग्स। कंप्यूटर एक बार रीस्टार्ट होगा और ये देखें विंडोज लोड होना शुरू हो गई है। मतलब इसमें ये जो लैपटॉप है इसमें विंडोज़ को लेगेसी मोड में इंस्टॉल किया गया था, तो जब अगर बायोस रीसेट हो और वो UEFI मोड में चला जाए, डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसकी, तो विंडोज़ लोड नहीं होगी। और अगर UEFI में इंस्टॉल की गई हो और लेगेसी मोड में आप उसको बूट करें तो भी बूट नहीं होगी। और ये मैसेज हर तरह के लैपटॉप में आ सकता है, उसका मैसेज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सेम इशू में होता है कि अगर विंडोज़ को लेगेसी मोड में इंस्टॉल किया गया है तो उसे लेगेसी मोड में ही बूट करना होगा, और अगर UEFI मोड में इंस्टॉल किया गया है विंडोज़ को तो उसे बूट करने के लिए भी मोड जो है वो UEFI ही सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।